किसको क्रेडिट देंगे आप आज की विक्ट्री का? बहुत लाजवाब, पाकिस्तान वुड हैव बीन इन वेरी सीरियस ट्रबल। नादिया के छक्के बड़े मशहूर हुए हुए हैं, मेहमान में बेलन हाथ में लेके बहुत फ्री है वो तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। किसको क्रेडिट देंगे आप आज की विक्ट्री का, और क्या डू यू थिंक हमारे बैटिंग ऑर्डर की मुश्किलात दूर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक बांग्लादेश के कप्तान का शुक्रिया है कि उन्होंने टॉस जीत के और पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पाकिस्तान इज अ ग्रेट चेजर एंड दे आर ऑलवेज इन ट्रबल व्हेन दे बैट फर्स्ट। तो पहले तो आई थिंक शुक्रिया उनका करना चाहिए। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जिस तरह ने बल्लेबाजी की यार, बहुत लाजवाब। बाबर आजम और रिजवान तो करते ही हैं और वो तो अपने 130-135 की स्ट्राइक रेट पे चलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नवाज ने को 225 की स्ट्राइक रेट पे खेला है, 45 रन बनाए। तो आई थिंक ही वॉज अ गेम चेंजर, बिकॉज अगर वो इस पेस पे नहीं खेलते, और आप देखेंगे आपने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पे जाके मैच जीता है, तो आई थिंक जरा सा भी आपके 10 रन कम होते और नवाज अगर उस स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते जिस स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला, तो पाकिस्तान वुड हैव बीन इन वेरी सीरियस ट्रबल। आई वुड से मैन ऑफ द मैच शुड बी नवाज। यकीनन ग्रेट विक्ट्री। अलवी साहब, ये बताइए, हमारी वुमेन्स टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, आज श्रीलंका से मैच है, अगर वो हम जीत जाते हैं तो फाइनल में चले जाएंगे एशिया कप के, और इंडिया का भी आज सेमीफाइनल, पाकिस्तान इंडिया हम देख रहे हैं फाइनल उसमें। अच्छा, वुमेन टीम में नादिया के छक्के बड़े मशहूर हुए हुए हैं एक दो दिन से सोशल मीडिया पे। एब्सोल्युटली, देखिए बहुत दम चाहिए होता है छक्के मारने के लिए मर्दों को भी, खवातीन ने अगर इतनी हिम्मत की है, मेरे ख्याल में बेलन हाथ में लेके बहुत फ्री है वो। आयशा जी दो छक्के मारे 2 गेंदों में, तो वो तो खैर पूछना पड़ेगा, लेकिन ये लाजवाब खेले हैं, क्योंकि देखिए थाईलैंड से जब वो हारे हैं तो उस पर तो इट वॉज लो की, मेरे ख्याल में थाईलैंड की जो शिकस्त थी ना, या जो पाकिस्तान थाईलैंड से हारा, खवातीन की बात करो, के बाद इन लोगों ने बैठ के ये देखा है कि अगर हम इस तरह खेलते रहे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए निदादार ने आके कितना जबरदस्त खेला था अगेंस्ट इंडिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की खवातीन है बड़ा खुल के खेल रही है, अपनी शॉट्स मार रही है, डर निकल गया है। तो मेरे ख्याल में जब वो डर निकला है और मारा है तो उनका यार ये तो इस तरह रन भी बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो डिफीट थी ना थाईलैंड की, दैट वॉज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, और बहुत सही वक्त पे आई। आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजिशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।